सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्यों ने आज इंद्री के हर्बल पार्क में एक मीटिंग कर सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने बारे सरकार की नई नोटिफिकेशन का विरोध किया। कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। एसडीएम के अनुपस्थिति में डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजीव शर्मा ने यह मांग पत्र लिया। इस मौके पर कर्मचारियों द्वारा सरकार के नोटिफिकेशन की प्रतियां भी जलाई गई। इस अवसर पर कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ के इंद्री ब्लॉक प्रधान शंटी काम्बोज, सचिव ऋषिपाल व शिव कुमार ने बताया कि आज का आंदोलन पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को परेशान करने के लिए नए नए कानून बनाती रहती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए टेस्ट देने की शर्त रखी गई है, जो कि गलत है। इससे वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रमोशन कर्मचारी की वरिष्ठता के हिसाब से देनी चाहिए। हमारी मांग है कि संबंधित टेस्ट लेने वाली शर्त को तुरंत वापस लिया जाए। वर्तमान में जो पदोन्नति संबंधी शर्तें हैं, उन्हीं नियमों के हिसाब से पदोन्नति जारी रखी जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेताया कि उनकी मांगों को यदि ना माना गया तो स्टेट यूनियन जैसा आदेश करेगी, उसी हिसाब से आंदोलन किया जाएगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजीव शर्मा ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ इंद्री शाखा के सदस्यों ने एक मांग पत्र दिया है, जिसे उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। इस पर सरकार निर्णय लेगी। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, जो भी सरकार उल्टे और एक ऐसे आदेश पैदा कर रही है बार बार कर्मचारियों के, जो इसके नहीं है, कर्मचारी का शोषण है इसमें। जो आज इन आदेश जारी किया है सरकार ने, भी पेपर दिया जाएगा। इस पेपर के एवज में जो कर्मचारी 30-30 साल, 35-35 साल, 25-25 साल नौकरी कर रहे, अब उनके पढ़ने के उसमें नहीं आवे और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। और ये बहुत ही गलत आदेश है, मैं बचे इससे अपने सीनियरिटी से अपने प्रमोशन से वंचित हो जाएंगे अगर ये सरकार ने यही रुपया तो वही अपनाया। तो आज इस सरकार के आदेशों की हम जो प्रतियां हैं वह एस डी एम साहब के सामने ले जाकर जलाएंगे और एस डी एम साहब को ज्ञापन देंगे। मैं ऋषिपाल, जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक इंद्री। सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश में खंड स्तर पर किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से एक तो प्रमोशन का जो मामला सरकार ने किया है कि वो सीनियरिटी को छोड़ के पेपर देने की बात कही है सरकार ने, जो कि हमारे कर्मचारी पेपर के इस टाइम जो उम्र है उनकी, वो पेपर के लायक नहीं है। दूसरी बात, सरकार जो है कर्मचारी को भटकाने का काम कर रही है, जबकि कच्चा कर्मचारी इतने काफी लंबे समय से कच्चा पड़ा है, उसकी पक्के होने की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का है। समान काम समान वेतन की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। पुरानी पेंशन बहाल करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। निजीकरण की तरफ ध्यान है, कौशल रोजगार को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। हमारी यूनियन की तरफ से मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम कच्चा कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन मान लागू किया जाए, कौशल रोजगार को बंद किया जाए। और ये जो सरकार अनाज शनाप के जो दिन प्रतिदिन प्रक्रिया शुरू कर रही है, इसको खत्म करके विभागों का जो है निजीकरण बंद करके खाली पदों को भरने का काम करे। और जो है कर्मचारी जो लड़ाई लड़ रहा है, इनकी कोई सुनाई नहीं है, मुख्यमंत्री बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, काफी लंबे समय से कर्मचारी कच्चा पड़ा है, उनकी तरफ ध्यान दे, नहीं तो राज्य कमेटी का जो पूरा अगला फैसला होगा उसमें तमाम कर्मचारी कच्चा पक्का बढ़ चलकर भाग लेगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। मेरा नाम शिव कुमार है, राज्य वरिष्ठ प्रधान क्लास 4 यूनियन। जो प्रोग्राम है पूरे ब्लॉक स्तर पे हर एक ब्लॉक में किया जा रहा है, जितने भी हरियाणा में ब्लॉक है सारे ब्लॉकों पे प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी हरियाणा सरकार है इन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी की है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पहले पेपर पास करना पड़ेगा जब उनकी प्रमोशन होगी। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले सीनियरिटी वाइज प्रमोशन होती थी, उसमें जो साथी मान लो सीनियर साथी है, अगर ये लागू होता है जो सीनियर साथी है वे बेचारे कहीं ना कहीं प्रमोशन से वंचित रहेंगे, क्योंकि इतनी एज में जाकर फिर पेपरों की तैयारी करना और उनको क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं, अभी जो भी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है इसको वापस लिया जाए, वरना जो भी हमारी स्टेट कमेटी एसएस का फैसला होगा हम उस पर खड़ा उतरेंगे और जो भी आंदोलन आगे हमारी यूनियन लेके आएगी उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसको इन प्रतियों को आज यहाँ एसडीएम ऑफिस में जलाने का काम करेंगे और एसडीएम को मुख्यमंत्री एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। ब्लॉक प्रधान इंद्री। हाँ जी, जो सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा इंद्री सर्वकर्मचारी संघ इंद्री शाखा द्वारा जो दिया गया हमें मेमोरेंडम, ये आज हम माननीय उपायुक्त महोदय को
के माध्यम से निश्चित सरकार को भिजवा देंगे। जो भी डिमांड तय हो सरकार निर्णय लेगी और बाकी हमारी तरफ से आज ही कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या नाम है सर? थैंक यू। राजीव शर्मा। किस पद पर कर रहे हैं? मैं डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट।